हाय गाइस, इट्स मी डेली हाइट पारुल। होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ नई मूवीज का, नाम है चमन बहार। गुलाबों सिताबों के बाद चमन बहार ऐसी दूसरी मूवी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई है। वैसे तो ये थिएटिकल रिलीज़ के लिए बनी गई थी, बट लॉकडाउन की वजह से इसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। इस मूवी की जो ड्यूरेशन है वो है 1 घंटा 55 मिनट की ये मूवी है। एंड मैं आपको बता दूँ, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अपूर्वा धार ने। एंड इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 7.5। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं जो स्टोरी है, स्टोरी कहाँ की है। स्टोरी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक चपरासी का बेटा है, अपना नाम बनाने के लिए वो पान की दुकान खोलता है। अब बात करते हैं इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है वो जितेंद्र कुमार है, आपने जिन्हें पंचायत जैसी वेब सीरीज में भी देखा होगा। इसके अलावा रितिका है, आलम खान है और काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इस मूवी में काम किया है। बात करते हैं जो फिल्म की स्टोरी है वो किस बारे में है। फिल्म की जो स्टोरी है वो एक तरफा प्यार के बारे में है, जहाँ पर एक स्कूल जाने वाली लड़की है, उसके पीछे उसके स्कूल टीचर से लेके उसके स्कूल मेट्स और शहर के काफ़ी बड़े बड़े, जो उसकी उम्र से भी काफ़ी बड़े जो लड़के हैं, सभी उसके पे लाइन मारते हैं, सभी उसको पसंद करते हैं। आपने 2016 में सोनम गुप्ता वाला वाक्या तो सुना ही होगा, कैसे एक आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को बदनाम कर दिया था। सारे नोट्स पे सोनम गुप्ता लिख के सोशल मीडिया पे हर जगह सोनम गुप्ता काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई थी इस वाक्य पे। तो कहीं ना कहीं जो स्टोरी है उस चीज़ से इन्फ्लुएंस है आपको, वो जो सोनम गुप्ता वाला वाक्य है इस फिल्म में देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी में किस एक्टर और एक्ट्रेसेस ने अच्छा काम किया है। वेल, इस मूवी में जो सबसे बढ़िया काम लगा है वो जितेंद्र कुमार का लगा है। जितेंद्र कुमार को आपने पंचायत जैसी वेब सीरीज में देखा होगा एंड साथ ही में शुभमंगल सावधान जैसी मूवी में भी उन्होंने काम किया है। तो अगर मैं बात करूँ, जितेंद्र कुमार ने इस मूवी में अपना जो कैरेक्टर है, एक साधारण गाँव के लड़के का कैरेक्टर निभाया है, जो कि उन्होंने एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर निभाया, जस्टिफाई किया है उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ। एंड यहाँ पे बात करूँ जो मैं एक्ट्रेस हैं जो जिन्होंने इस मूवी में काम किया है, रितिका, उनकी असच मुझे कोई एक्टिंग खास नहीं लगी है। सोमू और छोटू की जो जोड़ी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जोड़ी है, तो मुझे ज़्यादा पसंद आई भुवन अरोड़ा की और उनके जो पार्टनर हैं उनकी जोड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज से मुझे सबसे अच्छा क्या लगा। वेल, इस वेब सीरीज में जो मुझे अच्छा लगा वो एक्चुअली बिल्लू की एक्टिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। डायलॉग्स जो है सोमू और छोटू के वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डायलॉग्स लगे और उनकी जोड़ी बहुत ही, और जो उनकी केमिस्ट्री थी वो अच्छी लगी। और सबसे बुरी बात जो मुझे लगी कि रितिका का में कोई भी डायलॉग नहीं था और उनकी जो एक्टिंग है बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, तो ये मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि सारे जो सीन थे उनके उनमें सिर्फ एक ही फेस एक्सप्रेशन था पूरी पूरी की पूरी मूवी में। चलिए बात करते हैं इस मूवी से सीखने को क्या मिलता है। वेल, अगर मैं बात करूँ पूरी की पूरी कहानी की, कहानी किसी लैला मजनू की नहीं है, ये एक तरफा प्यार की कहानी है। एक तरफा प्यार की वजह से हमारी सोसाइटी में एक लड़की को क्या क्या चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, उसकी फैमिली को क्या क्या चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, ये एक पागल सरफिरे आशिक की मनोदशा की कहानी है। अगर ऐसी मनोदशा किसी व्यक्ति की हो जाए एक्चुअली में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे लोगों को क्या झेलने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं और ऐसा दिखाया गया कि ऐसा करने से एक्चुअली में कुछ हासिल नहीं होता है। तो एक तरफा प्यार कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो इस तरीके का जो प्यार होता है, एक तरफा प्यार, किसी भी लड़की के मेंटल पीस को, उसकी सोशल लाइफ को ख़राब कर सकता है, ये हमें इस पूरी फिल्म में देखने को मिलता है। और ऐसा जो प्यार होता है वो कभी कामयाब नहीं होता। तो ये सब चीज़ें इस पूरी की पूरी फिल्म में दिखाई गई हैं। चलिए बात करते हैं जो मूवी है किन लोगों को पसंद आएगी। वेल, ये जो मूवी है ये सभी लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि जो इसकी स्टोरी है बहुत ही हल्की फुल्की कहानी है। एंड ये जो स्टोरी है कहीं ना कहीं हमारे समाज की चीज़ों को दर्शाती है, रियलिस्टिक स्टोरी है। एंड जो अभिनय किया है कैरेक्टर्स ने वो भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, आप उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसको सभी लोग देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। ये मूवी सच में अच्छी है, तो आप ये जो मूवी है एक बार तो ज़रूर देखिएगा। ये जो मूवी है शायद उन लोगों को पसंद ना आए जिनको एक्शन थ्रिलर सस्पेंस वाली चीज़ें पसंद हैं, शायद उन लोगों को ये मूवी पसंद ना आए। अगर रेटिंग की बात करूँ कि मैं इस मूवी को कितना रेट करना चाहूँगी, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये जो मूवी थी इसका जो डायरेक्शन था थोड़ा और अच्छा हो सकता था। इस मूवी में थोड़ा और स्क्रिप्ट में अगर काम किया होता तो ये जो मूवी थी थोड़ी और फनी और थोड़ी और कनेक्टिंग बन सकती थी। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ जितेंद्र कुमार की जो एक्टिंग है, पूरी की पूरी मूवी जो पकड़ जो होती है वो उनकी एक्टिंग की वजह से अच्छी लगी मुझे। और साथ ही में जो और कैरेक्टर्स थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया, अपना जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया सारे एक्टर्स ने। वो चीज़ इस फिल्म को आगे तक देखने के लिए मजबूर करती है। बस इसमें जो नेगेटिव चीज़ें लगी वो मुझे रितिका की एक्टिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो वो और थोड़ा बेटर हो सकती थी।
तो कुल मिला के इस पूरी की पूरी मूवी को मैं 2.5 स्टार देना चाहूँगी। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देख सकते हैं, एक्चुअली में ये टाइम पास मूवी है, इतना मैं कह सकती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मेरा जो रिव्यू है इस फिल्म का, अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस मूवी रिव्यू को अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल जाएगी। एंड आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मैं तीनों पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो अब आपसे मुलाकात करते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।